नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज हमने भाजपा अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष तसनीफ नूर शेख से किसी मसले पर लेकर बातचीत की। दरअसल तसनीफ नूर शेख जो है, इन्होंने वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन को एक पत्र देते हुए आमरण उपोषण की बात कही हुई है। उस मुद्दे पर हमने इनसे मुलाकात ली, वो आप वीडियो में आगे देखेंगे। वीडियो जरूर लंबा है लेकिन अंत तक जरूर देखना। तसनीफ शेख ने जो आरोप लगाए हैं और जो बातें कही है, वो बातें जरूर पूरी अंत तक देखोगे तो आपको समझ में आएगी। अब रही बात तसनीफ शेख के जो मुद्दे हैं, उनके दो प्रमुख मुद्दे हैं, दो मांगे हैं, उस मांग को लेकर उन्होंने ये उपोषण की बात कही है। उसमें एक मांग है कर्मचारियों के बदली के ऊपर लेकर, और दूसरी मांग है वसई के सागर शेड पेट्रोल पंप पर हुए अनाधिकृत बांध काम को लेकर। तो वसई सागर शेड पेट्रोल पंप के अनाधिकृत बांध काम के विषय में मुझे ये लगा कि पेट्रोल पंप की भी सुननी चाहिए। इसके लिए मैंने पेट्रोल पंप मालिक का भी बयान लिया है, वो आप देखिए। इसके लिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनका इस पे क्या राय है। वीडियो जरूर लंबा है, 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस समय मौजूद है भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष तसनीफ शेख जी। इन्होंने हाल ही में कुछ मुद्दों पर लेकर वसई विरार महानगर पालिका में पत्र व्यवहार किया है, और उसमें महानगर पालिका को आमरण उपोषण के लिए भी इन्होंने चेतावनी दी है। इस विषय पर इनसे चर्चा करते हैं, क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। तसनीफ भाई, ये बताइए कि आपने जो महानगर पालिका में पत्र अभी डाला है, क्या आप आमरण उपोषण पर बैठने वाले हैं, तो ऐसी क्या नौबत आई? और आप एक बड़ी लीडिंग पार्टी से है, देश की सबसे बड़ी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद आपको ऐसी क्या नौबत आई कि आपको उपोषण करना पड़ रहा है? देखिए, वसई महानगर पालिका जो है ना, सबसे बड़ी भ्रष्ट महानगर पालिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पब्लिक, चाहे वसई की हो चाहे कहीं और की हो, उनके दिमाग में बैठ चुका है। आई प्रभाग जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ के मुद्दों के बारे में बताता हूँ मैं आपको। दो बहुत ही गंभीर मुद्दे थे। एक तो यहाँ पे जो परमानेंट कुछ अधिकारी हैं, वो कई सालों से अपनी पोस्ट पे चिपके हुए बैठे हुए हैं। किसी को 10 साल हो गया है, किसी को 12 साल हो गया है, कुछ नगर परिषद के पहले से हैं। गवर्नमेंट का जीआर है कि 3 साल के ऊपर कोई भी अधिकारी एक पोस्ट पे नहीं रह सकता है। अगर जरूरत पड़ती है तो 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाना चाहिए उसको। लेकिन अगर वो अधिकारी काम कर रहे हो, और हो तो क्या दिक्कत हो सकती है? अगर उदाहरण, अगर काम कर रहे होते वो अधिकारी, तो ये नौबत ही नहीं आती। स्वच्छता का विषय है, स्वच्छता का विषय बहुत गंभीर विषय है आई प्रभाग के अंदर। आप जगह जगह जाएंगे, वहां वहां पे आपको गंदगी मिलेगी। कचरे के लिए बोलते रहिए, आते हैं उठा के जाते हैं, जब तक दूसरी बार आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तब तक वहां पे सफाई कर्मचारी आएंगे नहीं उठाने के लिए। आम पब्लिक ग्रस्त है। जो लोग यहां पे उस पद पे चिपके बैठे हुए हैं, वो अपने आप को यहां का महाराजा समझने लगे हैं। उनको लगता है कि हम चाहे जो करें कोई भी हमसे सवाल नहीं पूछने वाला है। कई लोगों की कंप्लेन भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों के पास आई इस विषय को लेके। हम फॉलो अप करते रहे। बदली करवाना हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद ये था कि जो मुश्किलात लोगों को पेश आ रही है उसका हल निकले। आपने स्वच्छता की बात की, तो इस समय में मच्छरों की ब्रीडिंग का एक समय है जी। ऐसी मच्छरों की, मच्छर जो है, इसके ऊपर अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो खैरपाड़ा का बनाया था जी, और वहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने इसका सवाल उठाया था, तो वो मैंने दिखाया था। तो यहाँ मच्छरों की क्या हालत है, यहाँ का आई प्रभाग का क्या? बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे जो दवाई छिड़कने की जो यहाँ पे जो मशीनरी है, वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। कोई दवाई का छिड़काव नहीं है। कचरे का जो लोड है वो बढ़ता चला जाता है। पहले ही मच्छर हैं, आप दवा डाल नहीं रहे हैं, कचरा आप उठा नहीं रहे हैं वक्त पे, उस कचरे के ऊपर और कचरा जमा हो रहा है। आप चाहे तो सुरुचि बाग चले जाइए, आप चाहे तो संस्कृति के पास चले जाइए, आप चाहे तो कोलीवाड़ा चले जाइए,
आपको, आप चाहे तो ग्रीस वगैरह की तरफ चले जाइए और क्या बोलते हैं होली की तरफ चले जाइए, आप आपको हर जगह कचरे का एक अंबार नजर आएगा। जब तक लोगों को तकलीफ ना हो जाए, जब तक वो बदबू से लोग बीमार ना पड़ने लगे, तब तक वो मसला हल नहीं होने वाला है, तब तक वो कचरा नहीं उठेगा। डेंगू है, मलेरिया है, मच्छरों के ज्यादा प्रकोप की वजह से ये सब बीमारियां फैल सकती हैं। स्वच्छता के अलावा और कौन से अधिकारी, स्वच्छता विभाग के अलावा? स्वच्छता विभाग के अलावा और भी 6 ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ पे 12 वर्षों से ठाम मान के बैठे हुए हैं, जो हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिसके अंदर श्रीमती रेणुका भंगारे हैं, जो समूह संगठक महिला बाल कल्याण हैं, श्री दिगंबर चौहान हैं, श्री उज्जवल ठाकुर हैं, श्री मिलन ठाकुर हैं, श्री शशिकांत पाटिल हैं और श्री यशवंत सदाशिव पाटिल। तो इनके कामों में किस तरह की अनियमितता है? कॉल करते हैं, कॉल करिए तो उठाते नहीं हैं, जॉब के ऊपर परमानेंट जाते नहीं हैं, छुट्टी पर हूँ, कॉल नॉट रीचेबल है। नगर पालिका से इनके बारे में पूछिए, नगर आई प्रभाग से पूछिए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब एक अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसको वहां से ट्रांसफर हो जाना चाहिए, दूसरे काबिल लोगों को यहां लाके बिठाना चाहिए, ताकि पब्लिक की जो मुश्किलें हैं वो हल हो, ना कि बढ़े। 10-10, 12-12 सालों से एक जगह पे रहने के बाद ये काम, ये बिल्कुल अपना राज समझ रहे हैं, इनको लगता है कि अब कुछ नहीं है। आयुक्त आए चले गए, पिछले दो सालों के अंदर कम से कम नहीं तो 23 सहायुक्त आई प्रभाग के अंदर बदली हुए हैं। 23 सहायुक्त, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने RTI के जरिए ये इंफॉर्मेशन निकाली है, एक सहायुक्त परमानेंट यहां दे नहीं पा रहे हैं। और कुछ जो निचले तबके के ऑफिसर्स हैं वो 12-12 सालों से, 10-10 सालों से यहां पे ठाम मान के बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा? जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेके जाइए, जब भी आप कोई कंप्लेंट लेके जाइए, एक सहायुक्त को फॉलोअप करिए आप, जब तक वो फॉलोअप चलता रहेगा उसका ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरे मुद्दे पे हम लोग आते हैं, पेट्रोल पंप सागर सीट पे, जो पेट्रोल पंप है वहां पे इल्लीगल गाले बने, वहां पे जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उन्हीं ने मरम्मत की परमिशन ली और पुल डाउन करके वहां पे 9 नए गाले बना दिए। वहां पे कोई फायर ऑडिट वगैरह कुछ नहीं है। हम लोगों ने, मैं और जो वसई शहर मंडल की टीम है, श्री अमित पवार जो सर चिटनीस हैं, और जी करता हूं, आप बोल रहे कि फायर ऑडिट नहीं है, तो इसका आपने वहां पर शहनिशा किया है क्या? एक पेट्रोल पंप पर फायर ऑडिट नहीं होना काफी बड़ी लापरवाही। पेट्रोल पंप पे फायर ऑडिट है, जो पेट्रोल पंप के पास जो गाले बने हुए हैं, जो बिल्कुल ही कुछ 100 मीटर के ऊपर होगा या 15 मीटर के ऊपर का, वहां पे नहीं है। उन्हीं ने इल्लीगल वो गाले बना दिए हैं, वहां पे आज भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हमें इल्लीगल कंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं है, हमें पब्लिक की सेफ्टी से मतलब है। जो पब्लिक वहां पे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां से लेके भाभोड़ा तक सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है। हाँ, वो बस्ती में, आबादी में है। खुदा ना खास्ता कल को कोई हादसा गुजर जाए वहां पे, उन गालों की वजह से वहां पे सर्विस स्टेशन चल रहा है, वहां पे कुछ और काम चल रहा है, आज भी वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फायर ऑडिट नहीं है वहां पे। MRTP का नोटिस दिए हुए 6 महीने हो चुका है। जब प्रताप कोहली सहायुक्त थे तब उन्हीं ने ये नोटिस इश्यू करवाया था, उसके बाद आवड़ेकर आए, आवड़ेकर ने फिर किया, सब भ्रष्टाचार में लुप्त हैं। मुझे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना है, मुझे जो पब्लिक वहां पे पेट्रोल भरवाती है उनकी जान की फिक्र है। कल को कोई हादसा गुजर जाता है उन गालों की वजह से, कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं फिर से एक वही सवाल करता हूं कि आप इतनी बड़ी लीडिंग पार्टी से, देश की सबसे बड़ी पार्टी से, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी के होने पर क्या आपने पार्टी के बलबूते पे आप ये काम नहीं करा सकते थे कि आपको आमरण उपोषण की नौ बताई? देखिए, पार्टी के बलबूते पे ही हम लोग जो है एक संविधान के तहत चलते हैं। हम लोग कोई अग्रेसिव पार्टी नहीं है कि जाएं जाके तोड़ फोड़ करें, लोगों को खड़े होकर गालियां दें या ऑफिसर्स को पकड़ के मारें। हम जो भी काम कर रहे हैं वो पेपर वर्क के थ्रू कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आपने मेरी बात को गलत वे में लिया है। जी बोलिए। तोड़ फोड़ की और एग्रेसिव की बात नहीं है, केंद्र सरकार में पाठपुरावा करके वहां से जो है ऑर्डर पास करने की, मैं वो बात कर रहा हूँ। श्री अमित पवार जो मंडल शहर चिटनेस हैं, वो पेट्रोल पंप का लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए पाठपुरावा उन्होंने शुरू कर दिया है, जो अगले हफ्ते ही दिल्ली जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं वहां पे चला जाएगा। और इस विषय के ऊपर हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि ये पेट्रोल पंप का लाइसेंस अब कैंसिल होना चाहिए। ये जो बाजू में जो गाले बने हुए हैं ये बड़े खतरनाक गाले हैं, ये पब्लिक की जान को धोखा है। आप इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि अगले आते हुए 1 महीने के अंदर हमारे जो मंडल शहर चिटनेस हैं उनके पाठ पुरावे की वजह से पूरी कोशिश की जाएगी कि इस पेट्रोल पंप का लाइसेंस
कैंसिल हो जाए। देखिए, जो आम अनुपोषण पे आप बैठने वाले हैं, तो इसमें आपकी अंतिम भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मेरा आम अनुपोषण जो है वो इस सोमवार से शुरू होने वाला था। जो माननीय नई सहायुक्त आई हैं यहाँ पे, श्रद्धा मैडम, श्रद्धा जो हैं, जो सहायुक्त आई आई प्रभाग की, उन्होंने मुझे कॉल किया और बुलाया। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त दो मुझे, थोड़ा सा, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं आपके मसलों को सॉर्ट आउट करवाती हूँ। बदली के मसले के ऊपर, जो ट्रांसफ़र का मसला है, उसके लिए उन्होंने स्थापना के जो उपायुक्त हैं उनको लेटर दिया हुआ है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, आगे कार्रवाई होगी। इस विषय के ऊपर, पेट्रोल पंप वाले विषय के ऊपर, उन्होंने कहा है कि MRTP का नोटिस निकल चुका है, आगे कैविट दाखिल करके गुना दाखिल करना है, वो मैं करती हूँ। कल भी मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 3-4 दिन का वक्त दीजिए, मैं करती हूँ। इस हफ्ते अगर ये कार्रवाई हुई तो बेहतर है, वरना अगले हफ्ते से आमरण उपोषण हम लोग का शुरू हो जाएगा तहसीलदार ऑफिस के बाहर। तो ये हम बात कर रहे तसनीफ शेख से, इन्होंने जिस तरह से इन दो मुद्दों पे बात की, पहला मुद्दा जो बदली का, अधिकारियों की बदली, तो इस बात में काफ़ी सच्चाई है ही। सभी जानते ही है कि वसई विरार महानगर पालिका में बदली किस तरह से होती है। इन्होंने जैसे भी बताया कि कुछ ही महीनों में 23 सहायक आयुक्त बदली हुए, तो सबको मालूम है ही, एक सहायक आयुक्त जिसको चंद दिनों में हटा दिया जाता है या चंद दिनों में बैठा दिया जाता है, उसके मातहत काम करने वाले 10-10 साल से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कितना बड़ा संरक्षण होगा, ये एक अपने आप में सोच वाली बात है। दूसरी बात जो इन्होंने पेट्रोल पंप को लेकर कही है, वो भी मुद्दा अपनी जगह पर वास्तव में काफ़ी गंभीर है, कि इस तरह से कहीं ऐसी जगह पर कि जहां अति संवेदनशील कही जा सकती हो, ऐसी जगहों पर इस तरह से अगर कानून के विरुद्ध काम होता है, तो उस पर अगर महानगर पालिका ध्यान नहीं देती है और पब्लिक की जान को धोखा आता है, तो आगे इसके लिए क्या, तो अब देखा जाएगा कि इसके ऊपर महानगर पालिका क्या अपनी तरफ से कार्रवाई करती है, क्या कदम उठाती है। आज के लिए इतना ही, श्री जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आप पे ये आरोप लग रहा है कि आपने अपने पेट्रोल पंप के इधर इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो किया है उसको लेकर कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पार्टी के पदाधिकारी है, वो आमरण उपोषण तक का, उनके और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन उसमें एक मुद्दा ये भी है कि आपके इधर इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको लेकर आमरण उपोषण का उन्होंने महानगर पालिका में पत्र भी दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? अच्छा, तो ये स्टोरी मैं आपको 1-1.5 मिनट में समझाता हूँ। गूगल इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल पुरानी भी निकाल सकता है। हमारे यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन है, इस पे महानगर पालिका का कमर्शियल टैक्स है, इसकी 25 साल से घर पट्टी भरी हुई है, पिछले 25 साल से यहाँ पे जो गैरेज है वो चल रहे हैं, उसका लाइट के मीटर्स लगे हुए हैं। इनफैक्ट जब ये जगह पेट्रोल पंप के लिए सिडको अप्रूव करने के लिए गई, वो 25 से 30 साल पुराने नकाशे में भी, सिडको के नकाशे में भी यहां का कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है। अब दिसंबर 2020 में हमें वीवीएमसी ने नोटिस भेजे कि आपका यहां पे जो बांधकाम है, स्ट्रक्चर है, ये धोखादायक हो गया है, आप इसके दुरुस्ती का काम कीजिए, इसको स्ट्रेंथन कीजिए और तुरंत कीजिए। वो नोटिस भी हमारे पास है, जो भी रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूं वो हर चीज का पुरावा है। ये मिलने के बाद ना हमने हमारा स्ट्रक्चर तोड़ा, ना यहां पे स्ट्रक्चर था और हमने कुछ नया बनाया। अगर स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करने की बात आती है तो छोटा बच्चा भी बोलेगा कि उसको पिलर डालने पड़ेंगे या फिर आईबीम डालने पड़ेंगे। तो हमने बस, मैं हर बार सबको चैलेंज देते हुए आया हूं कि आप यहां पे आइए और प्रूव कीजिए कि यहां पे स्ट्रक्चर कौन सा नया बना है। हमारी फ्लोरिंग, हमारे अंदर की वॉल, हमारे पीछे की वॉल, ये सारी 25 से 30 साल पुरानी ही है। बस स्ट्रेंथन करने के लिए हमें नोटिस भेजा गया, उसके ऊपर हमने कार्रवाई की, हमने सामने पिलर लगाए, आई बीम लगाए, जो पुराने शटर थे सड़ गए थे वो उखाड़ के हमने नए शटर लगा दिए और कलर की जगह पे हमने पैनलिंग कर दी। इस चीज को अगर इलीगल कहते हैं, जिसकी घर पट्टी से लेके, टैक्स से लेके, प्रूफ से लेके, सिडको अथॉरिटी से लेके, नकाशा से लेके,
हर चीज है, और अमल बजावनी चेंजेस भी जो किया गया है वो भी बीबीएमसी के नोटिस के ऊपर किया गया है, तो वो उनकी गलत फहमी। लेकिन इसमें फिर अगर आप बोल रहे हो इस तरह से ये पूरी परिस्थिति है, तो महानगर पालिका ने आपको एमआरटीपी नोटिस क्यों थमाया? देखो महानगर पालिका का क्या है मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि महानगर पालिका के जब ऑफिसर्स मेरे पास आते हैं तब उनके पास में यही जो मैं 5-6 प्रूफ की बात कर रहा हूँ, जो अभी के प्रूफ में, जो बहुत पुराने से लेके अब तक के प्रूफ है, ये चीज़ ये उनको दिखाता हूँ, वो मान जाते हैं, कोई भी मानेगा ये चीज़ है। फिर वो जाते हैं, फिर वो किसके दबाव में आते हैं क्या आते पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको एक ऐसा होता है कि नहीं मैं लाइक एक कहावत है, खुजली नहीं फिर भी खुज जाने का, अभी वो हर एक का नेचर है तो क्या करें। अभी मेरे पंप के ऊपर पूरे वीवीएमसी में फर्स्ट टाइम गैंट्री का काम हो रहा है। अब गैंट्री क्या होती है, जहाँ पे टैंकर में सीधा ऊपर से डीजल भरा जाता है, बड़े बड़े टैंकर 8,000 लीटर 6,000 लीटर 5,000 लीटर भरा जाता है, ये काम BPCL कर रहे हैं। इसका लाइसेंस पेसो ने अप्रूव किया हुआ है, इसका फंडिंग BPCL से हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर परमिशन से हो रहा है, और ये मैं प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ। जो मेरी जगह है वो मेरी जगह 35 साल के लिए BPCL को लीज पे दी है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो वहाँ पे वो दीवार बनाए, वहाँ पे वो गड्ढा खोदे, वहाँ पे वो मशीन लगाए, मशीन निकाले, लाइटिंग करे, खंबा खड़ा करे, एडवर्टाइजिंग का बोर्ड लगाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट BPCL और पेसो के अंडर आता है। अब इस चीज का भी कोई बवाल करे तो वो तो मेरा है ही नहीं, उसमें जितना बवाल करना करो, आप जाओ BPCL के पास, आप जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आप जाओ पेसो वाले के पास। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।